कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल मार्केट में, लोकल मिलों के साथ साथ विदेशी बाजारों में आज विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे एमपीओबी में किस तरह से, एमपीओबी की रिपोर्ट क्या आ रही है, किसका किस तरह से इफेक्ट घरेलू मार्केट पर देखा गया है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले एमपीओबी रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अगस्त में मलेशिया पाम तेल उत्पादन 4.91% बढ़ गया है और ये बढ़कर 1.75 मिलियन टन का हो गया है। सर्वे रिपोर्ट के में उत्पादन 7.50% बढ़ने का भी अनुमान है। अगस्त में पाम तेल का निर्यात बाजार उत्पादन 9.78% तक गिरा है, जो कि उम्मीद से 1.5% से ज्यादा कमजोर है। मलेशिया में अगस्त महीने का पाम तेल का स्टॉक 22.54% बढ़कर रिकॉर्ड 21.24 लाख टन तक पहुंच चुका है। अगस्त के अंत में पाम तेल स्टॉक में 10% तक का अनुमान है, 10% बढ़ने का अनुमान है। पाम तेल स्टॉक में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी के एलसी के लिए नकारात्मक मानी जाएगी। और कुल मिलाकर एमपीओबी रिपोर्ट बाजार के लिए इस वक्त बेहद खराब है, क्योंकि स्टॉक बाजार अनुमान से बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा विदेशी बाजार के बारे में बात करते हैं, तो आज खाद्य तेल बाजार जो विदेशी बाजार है वो स्टेबल है, स्थिर है। चीन के डालियान एक्सचेंज में पाम तेल और सोया तेल में काफी मजबूती देखने को मिल रही है। सीबीओटी सोया तेल प्रोजेक्शन हल्की बढ़त दिखा रहा है, केएलसी हल्की बढ़त के साथ खुला है, लेकिन ऊपरी स्तर पर दबाव बना हुआ है। और साथ ही पाम तेल के उत्पादन में 7.5% तक की बढ़ोतरी और निर्यात में 1.5% तक की गिरावट का अनुमान नजर आ रहा है। यदि पाम तेल स्टॉक बाजार से उम्मीद से नीचे बढ़ता है तो केएलसी में इसे पॉजिटिव माना जाएगा, अन्यथा भावना मंदी ही बनी रहेगी। और एमपीओबी जो रिपोर्ट है, इसका जो असर हुआ है वो विदेशी और घरेलू बाजार पर काफी ज्यादा नकारात्मक है, निगेटिव इफेक्ट हुआ है। प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन गिरावट अभी भी देखी जा रही है। बात करते हैं लोकल मिलों की कीमतों के बारे में, तो ब्रांडेड कंपनियों में जैसे बावर्ची जैसे ब्रांड में भी मार्केट में आज गिरावट दर्ज करी गई है कीमतों में। बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में 15 किलोग्राम का रेट 1510 है, पामोलिन में 15 किलोग्राम कीमतें 1410 है, 1 लीटर पामोलिन का रेट 84.5 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल के बारे में बात करते हैं, तो 15 किलोग्राम का रेट 1540 रुपए है, सोया ऑयल में 1 लीटर का रेट 93 रुपए है, और जून में 15 लीटर का जो रेट है वो 1600 है, 1 लीटर कीमत 110 चल रही है। सोया रिफाइन में 1 लीटर का रेट 94 है, पामोलिन में 1 लीटर कीमत 86 है, बिनौला तेल में 790 रुपए का रेट चल रहा है, सोया ऑयल कीमतें 880 रुपए देखी जा रही है। बात करते हैं इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में बाजारों में आज राइस ब्रांड का जो रेट है वो 83 रुपए है, सोया ऑयल कीमतें 92 रुपए है, सोया ड्यू का रेट 90 रुपए है, मस्टर्ड कीमतें 110 चल रही है, एक्सप्रेस का रेट 108 है, पामोलिन में आप 85 रुपए का रेट बाजारों में लेकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो आपको यहाँ से निगेटिव देखने को ही मिलेगा, गिरावट देखी जा रही है। प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन कीमतों में बाजारों में गिरावट आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।